तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। हम भी एकदम मस्त हैं। तो अभी तक तो आपको ये टॉपिक देखकर वीडियो समझ में आ गया होगा कि किस बारे में है। तो चलो फिर, आज सबसे महत्वपूर्ण 7 जो गलतियाँ हम करते हैं उसके बारे में आप लोगों को बता रही हूँ। पहला है, किसी की पहनी हुई आप चप्पल नहीं पहन सकते हो व्रत के दिन, ठीक है। और जैसे कोई कपड़े अपने कपड़े देता है, उन कपड़ों को भी नहीं पहन सकते हो, और अपने ही कपड़े पहन सकते हो आप व्रत के दिन, नहीं तो आपका व्रत भंग हो सकता है। और नंबर दूसरा है, जैसे आप कोलगेट करते हो, उस कोलगेट को आप नहीं कर सकते हो क्योंकि उसमें वैसे नमक होता है और बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो व्रत के दिन नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपका व्रत भंग हो सकता है, ठीक है। और नंबर तीसरा है, जैसे काजल है, आप काजल नहीं लगा सकते व्रत के दिन, और जो इत्र होता है, इत्र को नहीं लगा सकते हो व्रत के दिन, नहीं तो आपका व्रत भंग हो सकता है। नंबर चौथा है, इस दिन आप पशु की सवारी नहीं कर सकते हो, और ये कहा था युधिष्ठिर जी ने कि आप पशु की सवारी नहीं कर सकते हो, नहीं तो आपका व्रत भंग हो सकता है, ठीक नंबर है। पांचवा पांचवा है, ना तो आपको भोजन करना है और ना ही किसी को परोसना है। अगर आपने गलती से भी किसी को परोस दिया तो आपका व्रत भंग हो सकता है। इस दिन आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक अपना काम करना है। और छठवां है, उस दिन आपको ध्यान रखना है कि आपके पांव कोई ना छुए, क्योंकि उस दिन आपके पांव कोई छुएगा तो आपका व्रत भंग हो सकता है, ठीक है। और नंबर सातवां है, महत्वपूर्ण है, जो सबसे महत्वपूर्ण ये है, उस दिन आप स्वादिष्ट भोजन का स्मरण भी नहीं कर सकते हो। अगर आपने स्वादिष्ट भोजन का स्मरण भी कर लिया ना, उसमें आपका व्रत भंग हो सकता है, कोई फायदा नहीं है आपका व्रत लिया हुआ, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ी सी भी इस वीडियो में मतलब मोटिवेशन लगे तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जो मुझे जानकारी थी वो आप लोगों को तो ऐसे ही पहुंचाते रहूँगी, और ऐसे ही मोटिवेशन वाले वीडियो आते रहेंगे। आप लोग जो वीडियो में नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और तो मिलती हूँ आपको मैं अपनी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग भी स्वस्थ रहें, मस्त रहे। कृष्णा राधे राधे, हरि बोल।